दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप एक गेम की एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 गेम क्रिएट करना दिखाऊंगा, और उससे पहले दिखा देता हूँ कि वो गेम कैसी दिखेगी, जिससे कि आपको मालूम चल जाए कि हम कौन सी गेम क्रिएट करने वाले हैं। मैंने वीडियो बना के रख रखे, क्योंकि 5 थी, 5 को अलग अलग बार दिखाना, उसके बाद अलग अलग वीडियो करना, उसके बाद उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने एक साथ पहले सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद ये सारी चीज़ें करी। मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ और बताते जाऊँगा मैं। देखिए, सबसे पहले ये मैंने जो फर्स्ट गेम है, ये है स्टोन एज्ड। ये गेम है, अगर आपको थंकेबल के जरिए क्रिएट करनी है तो ये आपको मिल जाएगी, एंड AIA डाउनलोड के लिए मिलेगा आपको, और इसी वीडियो में मिलेगा। बस आपको करना ये है कि आपको ये जो वीडियो है लाइक करनी है, और ये नहीं कि टारगेट है कि इतनी लाइक पे ही आपको मिलेगा, क्योंकि जब ये वीडियो पब्लिश होगी तभी आपको जो AI फाइल है वो मिल जाएगी, बट आपको अभी मालूम नहीं होगा कि कैसे करना है, यानी कि उसके अंदर क्या करना है, कैसे आप बाकी सारी गेमें भी चला सकते हो उसके जरिए, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और अपने मन से हो सके तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी अगर गेमें आपको क्रिएट करनी है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। और वैसे भी कई सारी वीडियो तो मैं देता ही हूँ कि कैसे आप कोई भी थंकेबल के जरिए ऐप क्रिएट करते हो। देखिए, ये मैंने ये नोटिफिकेशन भी लगाया था, नोटिफायर, जिसमें लिखा है रेट ऐप का भी और क्लोज एप्लीकेशन का भी, ठीक है ना, और यहाँ पे कैंसिल का भी है। देन दूसरी जब मैंने थंकेबल के थ्रू करी थी, ये वाली है, ये कॉप्टर की है, इसमें देख रहे हो ये अभी लोडिंग होगी, देन उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। इसमें कोई ऐड नहीं आएगी, आपको अपनी ऐड लगानी है, नीचे ऊपर लगा सकते हो, और जो खड़ी वाली होगी, यानी कि ये मैंने जो है लैंडस्केप वाली करी है, तो इसमें ऐसी आ रही है, अगर खड़ी वाली होगी, पोर्ट्रेट वाली होगी, तो आपकी वो सीधी आएगी, उसमें आप नीचे ऊपर ऐड लगा सकते हो। और इसमें मैं बोलूँगा आपको कि आप इसमें इनिशियलाइज जो ऐड होती है, फुल विंडो फुल स्क्रीन वाली ऐड, वो लगाइए, ठीक है ना। तो ये दूसरी ऐप है, ये तो वाली ऐप है, एंड इसमें काफ़ी सारे जो एयरक्राफ्ट है वो आएंगे, वो नीचे मिसाइल फेंकेंगे, उससे बचना होगा, साथ के साथ उन्हें उड़ाना भी होगा, और जो अवार्ड के तौर पे यहाँ पे पावर मिलेगी, वो जो बड़े वाले जहाज हैं वो देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये वाली गेम है, अगर आपको क्रिएट करनी है तो ये वाली गेम भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मैं बताऊँगा कि कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें। देन यही है इस गेम में, एंड थोड़ा सा मैंने खेला। ये जो गेम है ये एडिक्टिव है, आप जरूरी नहीं इसे पैसा कमाने के लिए करो, ये है कि अपने खुद के लिए कर सकते हो। बाकी ये तीसरी गेम है जो मैंने क्रिएट की है, एंड तीसरी गेम का नाम है, अभी देख लेना, क्योंकि 5 गेम है, 5ों गेम का नाम याद नहीं रहता, और ऐसी करीब करीब मैं 100 गेम आपको क्रिएट करना सिखा सकता हूँ, बट ये शर्त ये है कि आप लाइक करो पहले इस वीडियो को, डाउनलोड करिए जो दिया है, देन आप खुद ही जान जाओगे कि कैसे सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि काफ़ी सिंपल है, ये पजल है, ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी है, और जितनी भी गेम मैंने आपको दिखाई वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आपके घर में छोटे हैं तो उनको आप एक क्रिएट करके खुद की ऐप वैसे आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये है एक पजल की गेम जो कि मैंने क्रिएट करी है, और ये कहीं से मैंने उठाया नहीं है, कहीं सोचो किया है, तो ये काफ़ी पहले से था दिमाग में आइडिया, बट मैंने बनाई नहीं इसके ऊपर वीडियो, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद टाइम नहीं है, और इस टाइम थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं जवाब भी दे देता हूँ आपके कमेंट के, और बाकी सारी चीज़ें कर भी लेता हूँ। तो ये थोड़ी सी गेम है, आप देख लेना, ये पजल रिलेटेड गेम है जो कि मैंने बनाई थी, एडिक्टिव गेम है सारी की सारी जितनी भी है, और आप एज ए डाल के बिना पैसे के मोटिव से आप कर सकते हो। बाकी ये है जेड पॉइंट भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि इस पर क्लिक करते ही वो जो बॉल है वो पहली वाली रो में जाएगी, दोबारा क्लिक पे उस पर, यानी कि बीच बीच तक जाना पड़ेगा। अब कैसे भी जाओ, ये देखिए, मैं काफ़ी बार स्टार्टिंग में जब करा था काफ़ी बार आउट हुआ था, देन आखिरकार फिर एक पॉइंट मिल ही गया था। देन ऐसी लेवल हैं, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे लेवल हैं, एंड मेरे ख्याल से तीसरे लेवल पे ये जो है एक और स्टेज पे जाता है, एंड ऐसी है ये गेम। एंड अगली मैं दिखा देता हूँ थोड़ी आगे करके, ये है जॉम्बी, जॉम्बी किल वाली है, जॉम्बी शूटर, ठीक है। तो ये वाली भी अगर आपको क्रिएट करनी है, ये गन मारता है ये बंदा, देना ही तो सारी चीज़ें होती हैं, ये गन मारी ऊपर से, जैसे कि मैं ये घेरने की कोशिश कर रहा था, देन ये नीचे गिरा, वो हुआ ऐसे, गन गन काफ़ी मजबूत है इसमें दिखाई है, जो भी जैसे भी। बाकी ये कुछ गेम है, अगर आपको क्रिएट करनी है तो बिल्कुल अभी तक आपने या लाइक नहीं करा पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं AI दे दूंगा आपको, और अब बनाना सीख लेते हैं, मैं काट देता हूँ इसे, बाकी कुछ नहीं है इस वीडियो में।
ठीक है ना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है थंके बल का। देखिए इसमें सिंपल सी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर एक वेब व्यू है, वेब व्यू के अंदर एक नोटिफायर, वो नोटिफायर आपको मालूम है बैक प्रेस करें, मैं दिखा देता हूँ ब्लॉक्स, ये बैक प्रेस करें तो उसके पास आ जाना चाहिए ये नोटिफायर कि डू यू वांट टू क्लोज एप्लीकेशन, देन नहीं तो आए तो कैंसिल कर सकता है, कैंसिल का भी बटन है, क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज। और रेट ऐप का भी मैंने लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्टिविटी स्टार्टर दे रखा है, ठीक है ना, रेट ऐप का, कि वो बंदा गूगल प्ले पे जा सके यानी कि प्ले स्टोर पर जा सके। दूसरा ये है कि इरर आए यानी कि नेट ऑन ना हो, क्योंकि ये जो ऐप है बिल्कुल नेट से ही चलेगी। इसमें आपका ये बेनिफिट है कि अगर आप ऐड लगाते हो तो आपका, क्योंकि ये गेम ही नेट से चलेगी तो उसे नेट ऑन ही करना पड़ेगा। अगर नेट नहीं ऑन करेगा तो उसके पास एक नोटिफायर आ जाएगा कि आपको अपना जो इंटरनेट है वो चेक करना होगा और इंटरनेट जाके एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके ही होगा, ठीक है ना। अगर नहीं करता तो वही रीलोड का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ऐप क्रिएट करके दिखाई है। बाकी मैं दूंगा आपको एक मैं दिखाऊं अगर आपको, तो यहाँ पे गेम लिंक ये है, ये गेम लिंक है, ये मैं आपको दे दूंगा नीचे डाउनलोड के लिए, ठीक है ना। ये आपको कॉपी करके इसमें डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। और डालने के बाद बस आपको ये करना है कि पहले ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ आपको दिखा देता हूँ पेस्टन को, तो आप देख रहे हो जॉम्बी शूटर ये चल जाएगी, जो गेम है ये चल गई, ठीक है ना। तो वो आपको वहां पे लगाना है, इसलिए मैंने लैंडस्केप करा है। अगर जो हमारी, जैसे कि मान लीजिए एक और गेम है मैं आपको दिखाता हूँ जिसका नाम था जेड पॉइंट, ये क्या था, ये पोर्ट्रेट में था यानी कि सीधे खड़े में था, ये इसमें हमें जो मोबाइल स्क्रीन है वो लेटाने की जरूरत नहीं है, तो ये खड़े में है, तो इसे आप सिंपली कर भी सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है स्क्रीन में, स्क्रीन से यहाँ पे लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर देना है, ठीक है ना। तो जिसमें जिसकी जरूरत है वो चीज कर देनी है आपको, और ब्लॉक्स में जाके ये जो है लिंक बस आपको चेंज करनी है, इन पांचों में से पांच गेम बनाने के लिए पांच है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वेब व्यू में, ये फॉलो लिंक मैंने हटा दिया क्योंकि हमें कोई लिंक फॉलो नहीं करनी, क्योंकि जो गेम है वो मेरे को आती है बनाने, इन फ्यूचर का भी हुआ तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आपकी अगर खुद की साइट हुई तो कैसे आप खुद की गेम क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंने सीख रखा है और मैंने कोडिंग काफी पहले सीखी थी, बट यह है कि अगर आपको बनाना हो तो मैं वो भी सिखा सकता हूँ, बट ये है कि गेम की जो लिंक है मैंने दे रखी है वो आपको बस सेट करनी है यहाँ पे। एंड बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, दोबारा देखिए नहीं समझ में आया तो, और लाइक करते जरूर जाना, जो कि पांचों वीडियो आपको मिल गया, एआई फाइल आपको इसकी मिल जाएगी। बाकी अगर खुद क्रिएट करनी है तो खुद क्रिएट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोनों लिंक भी आपको मिल जाएगी डाउनलोड के लिए और एआई भी मिल जाएगी। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।